मैं जरूर मेंशन करूंगी कि मैंने आज से ओवरऑल क्या सीखा। सोशल मीडिया पर भी जब भी आपके साथ डिस्कशन हुई, हमेशा मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, लॉजिक सीखा, रीजनिंग सीखी, और सबसे बड़ी बात जो सर मैंने आपसे सीखी वो ये थी कि स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं देते। नहीं जी बिल्कुल सर, इससे रिलेटेड मेरे जहन में एक वाक्य आ रहा है, इफ यू अलाउ मी टू शेयर। यस यस सर, मेरी मामा ने मुझे एक वाक्य सुनाया था। एक पाकिस्तानी फैमिली अब्रॉड से पाकिस्तान शिफ्ट हुई और वो चाहती, क्योंकि उनके बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग थे तो वो चाहते थे कि उनके बच्चे उर्दू बोलना शुरू करें। जो उनके नेबर्स थे उनके बच्चे उर्दू बोलते थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को अपने नेबर्स के बच्चों के पास भेजना शुरू कर दिया कि वो उर्दू सीख जाए। तो कुछ दिनों बाद क्या होता है कि उनके बच्चे तो उर्दू नहीं सीखते, लेकिन जो नेबर्स के बच्चे होते हैं वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये बात मुझे आपसे रिलेटेड इसलिए लगी कि मैंने तो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स पोस्ट करना छोड़ दिए, लेकिन आपकी वॉल पे अब मुझे थोड़ी थोड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नजर आना शुरू हो गई। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी इसको हमें, चूंकि स्वीपिंग स्टेटमेंट इटसेल्फ इज एन एकेडमिक टर्म, तो इसी सेंस में हमें देखना होगा। पहली बात ये कि जो जनरल एवरीडे डिस्कशन है, डोमेस्टिक किस्म की लाइट इनफॉर्मल डिस्कशन है, उसमें हमें ये टर्म ना यूज करनी चाहिए ना ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि अच्छा इसने मुझे लतीफा सुनाया, इसमें कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट है तो नहीं। लाइक इसका एक डोमेन है जहां हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। एक बात। दूसरी बात, स्टैट में कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंस का। सिग्निफिकेंस, जो लोग स्टैट से थोड़ा बहुत आगाह है वो समझते हैं हम इसको अल्टरनेटिव यूज करते हैं इंपॉर्टेंट के लिए। ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट वर्ड और है, सिग्निफिकेंट होना और वर्ड है। मैं एक छोटी सी मिसाल इसके लिए जल्दी से दे देता हूं। अगर हम समंदर से एक कतरा पानी का निकाल लें तो उसे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? सर आई थिंक नहीं पड़ता, समंदर तो सारी दुनिया यही कहेगी। हाँ, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट। देखें जो वाकया हुआ है फिजिकली उसमें तो कुछ डिट्रैक्ट किया गया है ना। बिल्कुल ठीक है, तो जब हम कहते हैं उसे फर्क नहीं पड़ा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली शाबाश, हियर इज वेयर आई वांटेड टू लीड यू। असल में उससे जो फर्क पड़ा है वो सिग्निफिकेंट फर्क नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कोई फर्क नहीं। ठीक है, एग्जैक्टली इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक सिग्निफिकेंस, कि भाई अदादो शुमार में हम अगर मैयर करें तो उसका फर्क जो है वो मैटर करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो अगर एक बंदा उसके पास 1,00,000 रुपए हैं तो 1,000 कम हो जाए तो फर्क पड़ा होगा, लेकिन दिस डज नॉट मैटर, सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर हम उससे 40,000 ले लें, 50,000 ले लें, तो दिस इज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। ठीक है, अच्छा, स्वीपिंग स्टेटमेंट हम हर उस बात के बारे में दे सकते हैं जो यूनिवर्सल रियलिटी है या सिग्निफिकेंटली बिलीव की जाती है। बिल्कुल, अगर हम कहें कि हर इंसान को, हर बाप को, हर उस्ताद को अपने आप को बेहतर बनाते रहना चाहिए, तो ये एक यूनिवर्सल अप्रोच है। हम ये तो नहीं कह सकते नहीं, मेरे टीचर जिनसे मैंने बायोलॉजी पढ़ी थी उनमें तो कोई खामी नहीं है, तो ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दी जा सकती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं तो अभी अभी के रिजल्ट से रिलेट करूं तो जो लोग मॉकिंग कर रहे हैं वो भी इसको सिग्निफिकेंटली देख रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तो देख नहीं रहे, तभी। हाँ बिल्कुल ऐसे जी, ऐसे जी सर। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर बीइंग हियर। आई एंजॉयड अ लॉट और डिस्कशन वाज रियली फ्रूटफुल, और देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सर आपसे भी कहूंगी और देखने वालों से भी, आज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो मेरी जितनी भी गलतियां थी आई एम श्योर कि आप लोग हाईलाइट करेंगे ताकि मैं आगे वो गलतियां नहीं करूंगी।
अच्छा लग तो ऐसे रहे कि आप बड़ी ट्रेन्ड एंकर पर्सन है, लेकिन दैट्स गुड, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू आल्सो। आई एम रियली लाइकिंग कि आपने ऐसा कहा, थैंक यू सो मच। वेलकम बेटा, और दुआ में याद रखिएगा। जी यू आर वेलकम, थैंक यू जी। सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।